والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله عن المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند درود پاک اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اگر آواز بلند ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اور تازگی پیدا ہوگی اور یہ وہ درود ہے جو میرا مالک پڑھتا ہے میرے مالک کے ملائکہ پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نبی کی ذات پر درود سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں زور سے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا نہیں مزہ نہیں آ رہا آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چند اشعار کیونکہ ذوقی محفل ہے اور میں آج بڑے بالکل عجیب کیفیت میں ہوں کہ علماء کا اسٹیج ہے اور علم کا گہوارہ ہے یہاں علماء پیدا ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بولوں تو بولوں کیا علماء تشریف فرما ہے اور ایک ادرس طالب علم اتنی جسارت کر رہا ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا اسے کہتے ہیں نا سبحان اللہ
आज जुमा भी है, इंशाल्लाह हम दो ईदें मना रहे हैं। कितने ईदें? जोर से बोलें और जोर से बोलें। अभी बयान शुरू नहीं हुआ, अभी तमीदी कलमात हैं। अगर जुमा ना होता तो फिर तकरीबन 3-4 घंटे बयान हो जाता, लेकिन जुमा शरीफ है, क्या करें। चंद अशआर महफिल की मुनासिबत से, ये मैंने बचपन में याद किए थे जब तालिबे इल्मी दौर था, मुझे याद आ गए। क्या ख्याल है, सुना दूं जरा। साइम चिश्ती जो खाली नादगो शायर नहीं थे, अल्लामा भी थे, उन्होंने जब ऐसी महफिल देखी ना, गुजर रहे थे कि उशाकाने मुस्तफा ने महफिल सजाई हुई है, कुमकुमे लगाए हुए हैं, लाइटें लगाई हुई है, झंडियों से बज्म को सजाया हुआ है। आपने कलम उठाया, क्या उठाया, और काम कलम से ही होता है, कलम उठाया और लिखने पर मजबूर हो गए और मुखातिब किया उशाकाने मुस्तफा को, ऐ मेरे आका के दीवानों, आज तुम लोगों ने खाली महफिल को नहीं सजाया बल्कि अपने मुकद्दरों को सजा दिया है। बहुत प्यारा कलाम है और लिखा भी कलाम मोहब्बत के साथ है। आप फरमाते हैं, सज गए यार की, इस नाद पूरा मिलाद है, इस नाद में पूरा मिलाद है कि मेरे आका आए कहां, गए कहां और किने फैल याद किया। आप फरमाते हैं, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, नहीं मजा नहीं आया, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सज गए यार की महफिल को, पढ़ देना सजाने वाले। सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, मेरे महबूब का मिलाद मनाने, नहीं मजा नहीं आया, मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले। जब आमना का लाल आमना की गोद में आया तो अल्लामा ने क्या लिखा, आमना पाक तेरा चांद मुबारकी तुझको। दूसरे कहते सुभान अल्लाह, तेरे चांद पे कुर्बान जमाने वाले। और जब आमना का लाल अम्मा हलीमा गोद में लेती ना, अम्मा हलीमा को जानते हो ना, क्या मुकद्दर पाया अम्मा हलीमा ने भी, क्या मुकद्दर पाया है। साइम चिश्ती कहते हैं, तुझको सद लाख मुबारक की हो हलीमा दाई। अभी हनीफा ने शेर पढ़ लेकर छोड़ दिया, हलीमा सादे का पढ़ रहे थे ना आप, लेकिन मजा खराब कर दिया, उसको पढ़ना चाहिए था। आज तो मिलाद का दिन है, अम्मा हलीमा का जिक्र तो किसका जिक्र होगा। मुकद्दर तो अम्मा हलीमा ने पाया है ना, रुखसार को जुमा है, सोटों को जुमा है, सीने से लगाया है। तुझको सद लाख मुबारक की हो हलीमा दाई, आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले, आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले। और जब गुनाहगारों को देखो ना, मेरे मालिक ने गुनाहगारों को घबराते क्यों हो, ऐसा महबूब अता कर रहा हूं
कि जिसकी रोशनी पूरी कायनात में छा गई जाए। क्या लिखा? दूर अब सबके। समझ आ रही है नहीं आ रही? जोर से बोलने का, समझ आ रही है? तो आजकल वो दौर खत्म हो गया कि उर्दू समझ नहीं आती थी। आप बताएं खबरें किस में आती है? पंजाबी में आती है, उर्दू में आती है ना, तो उर्दू समझ लेते ना पंजाबी भी। उर्दू समझ आती है नहीं आती? कोई पठान था, पठान उस सिंधियों को महफिल बैठा सिंधियों की, तो सिंधी बयान कर रहा था, पठान रो रहा था। समझ आ रही है? पूछा बाबा जी वो सिंधी बयान कर रहा है और तुम रो रहे हो, समझ आ रही है? बोला और कुछ समझ नहीं आता, जब यार का नाम आता है ना या रसूल अल्लाह, मैं समझ जाता हूं कि मेरे आका की तारीफ हो रही है। दूर अब सबके मुकद्दर का अंधेरा होगा, क्यों कि आ गए चांद को कदमों में बुलाने वाले, आ गए चांद को कदमों में बुलाने वाले, अपने हर अश्क से पलकों पे चरागा कर लो, अपने हर अश्क से पलकों पे चरागा कर लो, क्यों कि मेरे महबूब है इस बज़्म में आने, मेरे महबूब है इस बज़्म में आने वाले। सज गए यार की हाजरीन मोहतरम, आज की महफिल मिलाद मेरे और आपके आका आका दो आलम नूरे मुजस्सम वाली कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत के सिलसिले में इनेकाद पजीर है। खाकसार को भी दावत दी गई, बुलाया गया, और ये तो मैं नहीं कह सकता कि पहली मरतबा हाजिरी है, हाजिर तो कई मरतबा यहाँ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपसे मुलाकात का शर्फ पहला है। हुजूर मुईन मिल्लत उस्तादुल असातिज़ा हुजूर क़िबला मुफ्ती उम्मे याकूब साहब मुईन रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये फैज़ जारी और सारी आपको नजर आ रहा है। उन्होंने वाकई जंगल को मंगल बनाया हुआ है, और हकीकत है यह आता है तो सुकून मिलता है, कल भी सुकून मिलता है कि उलमा बन रहे हैं, उलमा का जम्मे गफीर है, तलबा का जम्मे गफीर है, और शाकान मुस्तफ़ा का जम्मे गफीर है। अल्लाह तबारक व ताला हजरत के फैज को ताकुर्बे क़यामत जारी व सारी फरमाए। और मेरे अज़ीज़म हजरत अल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सुहैब साहब मुईनी जिन्होंने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया, चेजा कि मुझसे उम्र बहुत छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं, लेकिन एक बुजुर्गों की औलाद हैं, दिल से कदर करता हूँ, उनका हुक्म था तो खाकसार हाजिर हो गया। मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, बस अदरस तालिब इल्म हूँ, हुक्म बजा लाते हुए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। चंद लम्हात आपका आपके लूंगा। कुरान करीम की आयत को तिलावत किया, मेरे मालिक ने बड़ा प्यारा ऐलान फरमाया, कुरान सुनेंगे कह देना सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा ऐलान फरमाया, बहुत प्यारा ऐलान फरमाया, और ऐलान भी ईमान वालों के लिए फरमाया। किसके लिए? जोर से बोले, खल्ला की कायनात में कुरान करीम इरशाद में अल्लाह का मन अल्लाह अलल मोमिनीना इबअस फीहिम रसूला। मैंने क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा है। क्या पढ़ा है बोले? कुरान पढ़ा है, वो कुरान जो खाले कायनात ने भेजा, जो रब्बुल आलमीन ने कुरान भेजा लेकर आने वाले जिब्राइल आमीन, और जिस जात की कल पर इस कुरान को नाजिल किया, वमा वमा अरसलनाका
इल्ला रहमतल लिल आलमीन। भेजने वाला भी नूर है, ये हमारा अकीदा है। भेजने वाले भी बोले, जोर से बोले, भेजने वाला भी नूर, लेकर आने वाली जात भी नूर। जिस जात की कलम पर मेरे मालिक ने कुरान नाज़िल किया, फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। वो कुरान मेरे मालिक ने फरमाया मैंने एहसान किया ईमान वालों पर। किस पर एहसान किया? जोर से बोलें, मैंने एहसान किया ईमान वालों पर। इब्आसा फीहिम रसूला, कि मैंने उन्हें अपना प्यारा हबीब अता कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, कह दिया जिंदाबाद अवाम अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर। ईमान वालों पर एहसान किया, और यह भी याद रखें ईमान वाला है वही कि जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत है। सहाबा का जम्मे गफीर है, तवज्जो में तरफ रहे। आज सहाबा सवाल करने वाले नहीं हैं, आज इमामुल अंबिया सवाल करने वाले हैं। वो सहाबा जो हर वक्त आका की सोबत में बैठते। इमामुल अंबिया ने सहाबा इकराम सवाल फरमाया, आज हम मिलाद मना रहे हैं तो हम पे एहसान नहीं है, अल्लाह के हबीब ने हमारे ईमान को अजीब ईमान करार दिया है। हमारे मुस्तफा ने, मेरा आका ने पूछा सहाबा जरा बताओ तो सही, तमाम मखलूकात में ईमान किसका अजीब है? क्या सवाल किया? ईमान किसका अजीब है जिस पर ताज्जुब किया जा सके? सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तमाम मखलूकात में, रब की मखलूकात में ईमान अगर अजीब है तो मलाइका का अजीब है, फरिश्तों का अजीब है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे सहाबा उनके ईमान में कौन सा तजब वाली बात है? वो तो रहते रब की बारगाह में है, वो तो रहते रब के अनवर जल्लियात में है। तो अर्ज किया का फिर अंबिया का ईमान अजीब होगा? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अंबिया के ईमान में कौन सी अजीब बात है? उनके पास तो जिब्राइल वही लेकर नाजिल होते हैं, वही लेकर आते हैं। अगर वो रब पर ईमान नहीं लाएंगे तो कौन ईमान लाएगा? अर्ज किया का अगर मलाइका का ईमान भी अजीब नहीं है, हमारा ईमान अंबिया का ईमान भी अजीब नहीं है, तो फिर हमारी बारी आती है, हमारा ईमान अजीब होगा? इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे सहाबा तुम्हारे ईमान में कौन सी बड़ी बात है? किसी ने देखा मैं चांद को इशारा करता हूं, चांद दो टुकड़े हो जाता है। किसी ने देखा मैं सूरज को इशारा करता हूं, सूरज वापस लौट आता है। किसी ने देखा मेरा हुक्म सुनते दरख्त मेरे पास आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अंदर तो मैं खुद मौजूद हूं। तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन ईमान लाएगा? अल्लाह अकबर। अब सहाबा ने अर्ज किया कि फिर आप इरशाद फरमाए ना, इसका ईमान अजीब है। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, न मलाइका का ईमान अजीब, न अंबिया का ईमान अजीब,
न तुम्हारा ईमान अजीब, अजीब मान उसका है आने वाली मेरी उम्मत का है को जो देखेगा नहीं बिन देखे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाएंगे। देखेंगे नहीं बिन देखे, बिन देखे जब सुनता उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। उसे कहते ना सुभान अल्लाह, जब सुनता उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिल देखे दीदार के आलम क्या होगा। और ये हकीकत भी है, अल्लाह ने हमें ऐसा प्यारा हबीब अता किया है, मस्जिद नबवी है, अल्लाह सबको मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमाए और आमना के लाल के दरबारे गौहर में जाने का शर्फ नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी है, सहाबा इकराम बैठे हैं, मेरे आका वहां तशरीफ लाए, तवज्जो मेरी तरफ रहे, आका तशरीफ लाए फरमाए सहाबा कैसे बैठे हो क्या कर रहे हो। अर्ज किया आमना के लाल अंबिया का जिक्र कर रहे गए, एक साहबी कहता है अल्लाह ने आदम को सबीउल्लाह बनाकर भेजा, दूसरा कहता है नूह को नजीउल्लाह बनाकर भेजा, तीसरा कहता है इब्राहिम को खिज्रा बनाकर भेजा, चौथा कहता है इस्माइल को सबीउल्लाह बनाकर भेजा, पांचवा कहता है मूसा कलीमुल्लाह बनाकर भेजा, छठा कहता है ईसा को उल्लाह बनाकर भेजा। अंबिया का मिलाद हो रहा है, अंबिया का जिक्र हो रहा है, मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया मुस्कुराना कैसा होगा। हाय हाय कैसा मुंह अल्लाह ने अता किया। शेर पढ़ दूं, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा शेर लिखने वाले लिखा। अब फरमाता तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सके साल तेरी जवाब तेरा। अल्लाहु अकबर। मेरा कने पूछा साहबा क्या कर रहे हो, अज क्या का बजा का जिक्र कर रहे हैं, एक कहता आदम सबुल्ला बनकर आए, एक कहता इनू नजुल्ला बनकर आए, इब्राहिम खुल्ला बनकर आए, इस्माइल जमुल्ला बनकर आए, मूसा कलीमुल्ला बनकर आए, ईसारुल्लाह बनकर आए। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा इसमें कोई शक नहीं कि आदम सबीउल्लाह बनकर आए, नूह नजीउल्लाह बनकर आए, इब्राहिम खुल्ला बनकर आए, इस्माइल सबीउल्लाह बनकर आए, मूसा कलीमुल्लाह बनकर आए, ईसारुल्लाह बनकर आए, लेकिन सुन अला 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 वाना हबीबुल्लाह। ऐ मेरे सहाबा अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाकर भेजा है, और इसी हबीब के पास जब जिब्राइल आए ना तो मेरे आका ने पूछा जिब्राइल जरा बता तो सही मशरिक व मगरिब शुमाल व जुनूब की सैर की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम के पास गए हो, जरा बताओ तो सही मेरे जैसा भी देखा है। कह दो ना सुभान अल्लाह,
ये महबूब का मिलाद मना रहे हैं। अल्लाह ने वो हमें अता किया है, मेरे जैसा देखा। जिब्रैल कहते हैं आका खुदा की कसम आप जैसा मैंने नहीं देखा है। और किसी शायर ने कलम उठाया, आप फरमाते हैं ये सुना दूं तो से वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ, वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ, मा ज़ाग दा काजल पाया अरशी फरशी कह देने वारब ने यार बढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद उन नबी, सरकार की आमद, मनठार की आमद, सोहने की आमद। आमद होते हैं कि साल में सिर्फ दो ईदे हैं। कितनी ईदे? जोर से बोलें, जोर से बोलें। और अल्लाह के फजल व करम से हम साल में 58 ईदे मनाते हैं। कितने ईदे? 58। मेरे आकर अय्याम तशरीफ को ईद का दिन करार दिया है, यौम उर्फा को ईद का दिन करार दिया है, और हर महीने हम 4 नहीं तो 5 ईदे तो जरूर मनाते हैं। बुखारी के हदीस है, मेरा आका ने फरमाया कि जुमा ईमान वालों के लिए ईद का दिन है। किसका दिन है? आज मिलादुन नबी भी और जुमा भी है आज। लेकिन खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, बुखारी समझ उसी आते जिसके दिल मेरा आका की मोहब्बत होगी। ऐसा समझने वाले नहीं है बुखारी। शायर कहता है ना के बिना इश्क नबी पढ़ता है जो बुखारी। इश्क नबी के बग समझ आने वाला कुछ नहीं है। बिना इश्क नबी पढ़ता है जो बुखारी, आता है बुखार उसको नहीं आती है बुखारी। उसको बुखार तो चढ़ जाता है, तो बुखारी समझ आने वाले नहीं। फिर कहते जी कहां लिखा है? हमने कहा मुल्ला कहां की बात छोड़ो, हमारी किस्मत में मिलाद लिखा है। हमारी किस्मत में, तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम्हारी किस्मत में रोना धोना ही है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अबू लहब ने सिर्फ ये समझकर अपने सुहबा को आजाद किया, लौंडिया को आजाद किया, गुलामा को आजाद किया कि मेरा भतीजा पैदा हुआ है। क्या पैदा हुआ है? भतीजा। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ख्वाब देखता हूं, अबू लहब को देखा। पूछा अबू लहब तू तो ऐसा बदकिस्मत इंसान है कि तेरी मुजम्मत में पूरी सूरत नादिल हुई है, बता तेरे साथ क्या मामला हो रहा है? अबू लहब कहता है पूरा हफ्ता अजाम में रहता हूं, पूरा हफ्ता। लेकिन जब पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, सुबह होती है, जिस उंगली से मैंने अपनी गुलामा को आजाद किया था उसी उंगली से शहद से मीठा, दोस्तों कहते सुभान अल्लाह, शहद से बता दूं शहद बना कैसे है। मेरा एक सफर में है, तोशादाना में खाना खत्म हो गया। सहाबा से मेरा आका ने पूछा इतनी देर एक शहद की मक्खी आका की बारगाह में आई और कान के साथ कुछ बुनबुनाया अपनी जुबान में, तो पता ये चला मेरे आका सबके रसूल हैं। मेरा कहना मैं सहाबा इस मक्खी के साथ जाओ, इस पहाड़ के ओठ में
इसने शहद बना रखा है। क्या बना रखा है? जोर से बोलें, शहद बना रखा है, जाओ लेकर आओ। हजरत अली ने ये नहीं कहा, या सर ये तो मक्खी आप समझते हैं, लेकिन अली अली का अकीदा था, और अली भी अली है ना, मेरा ग्रह में अली का देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। जब प्यारे अली सैयदना सिद्दीक अकबर घर तशरीफ लाते तो यारे गार आपके चेहरे को बार बार देखते, बार बार देखते। अम्मा आयशा ने पूछ लिया, अब्बा हजूर अली आते हैं बार बार देखते हो? तो प्यारे सिद्दीक अकबर ने कहा, बेटा अली वो है कि जिसके मुतालिक मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अली जाते हैं, शहद लेकर आए, शहद तनावल किया गया, फिर शहद की मक्खी से मेरे आका ने सवाल किया, शहद की मक्खी बता तो सही, शहद कैसे बनाती हो? बोलो हुजूर हमारा इतना काम होता है, जंगलों में चली जाती हैं, दरख्त को रस चूस कर लाती हैं, एक जगह जमा करती है, हमारी एक मलका है, हम उस रस का तवाफ भी करती हैं, आपकी जात पर दुरूद सलाम भी पढ़ती है। बस दुरूद सलाम का पढ़ना होता है वो शहद में तब्दील हो जाता है, तो दुरूद सलाम की बरकत शहद के अंदर भी मौजूद है। तबुलाब कहता है कि शहद ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मुश्कों में ज्यादा खुशबूदार पानी नजर आता है, उस पानी को पीता हूं हफ्ते का अजाब भूल जाता हूं। वो तो सिर्फ इतना करे कि भतीजे की खुशी, और हम तो आका का मिलाद मनाते हैं, आका की आमद की खुशी मनाते, आमना का लाल आ गया। ऐदे नबी का जमाना आ गया, ईद नबवी का जमान, मिलके पढ़ दे, ईद नबवी का, जोर से पढ़ दे, ईद नबवी का जमाना, ईद नबवी का जमाना आ गया, हर लब पे खुशियों का तराना आ गया, हर लब पे खुशियों का तराना आ गया। अल्लाह अकबर, हम मिलाद मना रहे हैं आका का, किसका? जोर से बोलें, नबी का मिलाद, और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी का मिलाद मनाते ही रहेंगे। जब अम्मा हलीमा आमना के लाल को लेकर आई ना, तो औरतों ने शिकायत की, ए हलीमा रात को चिराग बुझाकर सोया कर, बात समझ आ रही है? चिराग बुझाकर सोया कर, तू तो गरीब औरत है। अम्मा हलीमा हैरान है कि जब से आमना का लाल लेकर आई हूं चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अम्मा हलीमा ने कहा, आ औरतों, जब से आमना का लाल लेकर आई हूं मैंने कभी चिराग जलाया ही नहीं है। और तो ने कहा, नहीं, हम रात को देखेंगे। रात हुई, देखा चिराग की उस नूर की रोशनी रोशनदानों से बहर निकल रही है, औरतें आई, देखा कि आमना के लाल के जबियों बारिक से नूर की शुआएं निकल रही थी। पता चला अम्मा हलीमा ने बता दिया कि जब से आमना के लाल को लेकर आई हूं मैंने कभी चिराग जलाया ही नहीं है। और किसी ने कह दिया, अम्मा हलीमा तुमने तो चार सलाका को पाला है, परवरिश की है। फरमाया, नाना मैंने नहीं पाला, आमना के लाल ने मुझे पाला है, आमना के लाल की बरकतें हैं। और खुदा की कसम है कि जिसके दिल में आका की मोहब्बत है ना, वो कामयाब इंसान है। हजरत सौबतुल्लाह तआला ने मेरे आका की बारगाह में आए, आज क्या का परेशान हूं। मेरे आका ने फरमाया, क्यों परेशान हो? आका आज दिल होता है, आपकी ज़ियारत करने आ जाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, आप तो मकाम महमूद पर होंगे, हमें ज़ियारत कैसे होगी? आमना के लाल ने फरमाया, मेरे सौबान, दुनिया में
तुम जिससे मोहब्बत करते हो कल क़यामत के दिन उसी के साए में रहोगे, उसी के साए में। तो बताएं सहाबाए इकराम किस तरह बर्दाश्त करते हैं, और जब बर्दाश्त से बाहर आ जाती है बात आका की बारगाह में आ जाते हैं कि मदावा तो मुस्तफा ने ही करना है ना। आज हमारे दिलों में अगर मोहब्बत रसूल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। हमें जो कुछ मिला है मेरे मौला मैं तेरा हकीम हूं, मोहम्मद तेरे हबीब में फर्क क्या है। तो मेरे मालिक ने फरमाया कलीम वो है जो बार बार कहे मेरे मौला तेरा दीदार करना चाहता हूं, और हबीब वो जो बिस आराम फरमा हो और मैं मलाइका को भेजू जाओ मेरे आमना के लाल को लेकर आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मनठार की आमद, सोहने की आमद, आमदे मुस्तफा। लेकिन जिनके दिलों में आका की मोहब्बत आ गई, मेरा इलाका में महबूब के मदीना शहर में एक यहूदी था जिसको आका से इश्क हो गया। कैसा खुश नसीब है, हर वक्त आका की उम्मत में, यहां तक कि आलम मर्ग पहुंच गया, बिस्तर मर्ग पहुंच गया। बाप ने कहा बेटा तेरे आखिरी लम्हात हैं, कोई तमन्ना हो कोई आरजू हो। तो बेटे ने कहा बहुत अगर पूछना चाहते एक ख्वाहिश है, बस आमना के लाल को मेरे पास ले आओ। आमना के लाल को बाप क्या करता, बात माननी पड़ी। आमना के लाल की बहरगाह में पहुंचा तो आमना के लाल सहाबा में मौजूद हैं। कैसे खुश नसीब है वो सहाबा के सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी। सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। मेरा कदी बारगाह में पहुंचा, अरीजा पेश किया, मेरा कहने पर मैं आओ मेरे सहाबा मेरे आशिक के पास चलते हैं। कैसा मंजर होगा कि आमना के लाल सहाबा के इमाम के साथ उस यहूदी घर पे जा रहे हैं, किसी ने आकर आग कदम बैठकर कलमा पढ़ा, और वो आशिक ऐसा है कि मेरा का जाकर उसे ईमान की दौलत देने जा रहे हैं। वहां पहुंचे, रूह निकल रही थी, परवाज कर रही थी, बाप ने आवाज दी बेटा तुम्हारी मोहब्बतों का महव मरकज आ गया है। आमना के लाल तशरीफ ले आए, नौजवान ने आंखें खोली, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी बख्शिश की जमानत भी ले ले और कलमा भी पढ़ा दे। कलमा पढ़ा, आका की गुलामी में आ गया। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा आओ अब आशिक का जनाजा उठाओ। अल्लाहु अकबर, हुक्म देने वाले आमना के लाल हैं और जनाजा उठाने वाले सहाबा की जमात है। गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा पढ़ाया गया, कब्रिस्तान जा रहे हैं। सहाबा कहते हमने देखा कि मेरे आका पांव को उठा उठा कर चल रहे हैं। हम करीब हुए, देखते हैं, हैरान है। तो पहले कोई तकलीफ नहीं थी, अब क्या हो गया। कब्रिस्तान गए, दफन किया, वापसी आ रहे हैं। साहबा ने पूछ लिया आका आज पांव में तकलीफ थी, मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं तकलीफ नहीं थी, मेरे इस आशिक के जनाजा में इतने फरिश्तों की जमात आ गई कि मुझे पांव रखने में तकलीफ हो रही थी। तो हाजिर मोहतरम वो तो यहूदी था, सिर्फ कलमा पढ़ा, नमाजें नहीं है,
زکاتیں نہیں ہیں, صدقہ خیرات نہیں ہیں, کچھ بھی عمل نہیں ہے. بس عمل یہی ہے کہ وہ دعاہ کا مکھرا دیکھا, کلمہ پڑا, اللہ نے صحابیت کا درجہ عطا فرما دیا. تو آج ہم آقا کا میلاد منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں, اس نیت سے, اس ارادے سے کہ ہم آمنہ کے لال کے امتی ہیں. وہ ہمارا نبی ہے, وہ ہمارا نبی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طاقت دی, اور جن احباب نے اس محنت کی, کاوشیں کی, اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو اپنی بہرگاہ میں قبول فرمائے, آپ کی حاضری کو اپنی بہرگاہ میں قبول فرمائے. اس ادارہ کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے. حضور معین ملت استاذ الاساتذہ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد یعقوب صاحب معین رحمت اللہ تعالی علیہ کی فیض کو جاری و ساری فرمائے. یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, محبت کریں اپنے بچوں کو, علم کی روشنی سے روشناس کریں. دیکھیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا کی قسم ہے, آج تک مفلسی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے کسی عالم نے, کسی قاری نے, کسی حافظ نے خودکشی نہیں کی ہے. کیوں؟ اس علم کا صدقہ ہے, اس دین کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں بھی دیتا ہے, دولت بھی عطا فرماتا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش کر ہے, اس ادارہ کو کامیاب بنائیں, اس ادارہ میں اپنے بچوں کو عالم حافظ قرآن بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ میری حاضری کو, آپ کی حاضری کو اپنی بہرگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ خاکسار نے بیان کیا, اس بیان کے اندر کوئی غلطی کوتاہی سہوت ہو گئے تو اللہ کائنات کی بہرگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. انہیں کی محفل سجا رہا ہوں, چراغ میری ہے بات ان کی, انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. وما علی الا البلاغ المبین.